और ज्यादा रेस खींचेंगे। हेलो गाइस, आज फिर से आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे होंगे दो बाइक है, R15 वर्जन 3 फुल मॉडिफाइड और KTM RC 200। तो दोनों की ड्रैग रेस करेंगे, देखते हैं कौन सी ज़्यादा फास्ट है कौन सी नहीं है। हालांकि सबको पता है कि शायद वर्जन 3 फास्ट है, लेकिन ये 2018 BS4 वर्जन है और ये भी इतनी है समथिंग 2019 मॉडल है। तो दोनों ही बाइक पुरानी है और इसका भी टॉप एंड घटा पड़ा, इसका भी देखते हैं फिर भी कंपेरिजन करके कि कौन सी बाइक बेस्ट है, इतने 5 साल के बाद भी कौन सी अच्छी परफॉर्म करती है। तो ये आफ्टर 5 ईयर रिव्यू है बाइक का, आफ्टर 5 ईयर बाद कौन सी बाइक बेस्ट परफॉर्म करती है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पे, और वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलते हैं बाइक पे, मिलते हैं गाइस, चलते हैं अब रेस की तरफ। और उससे पहले लेकिन गाइस, आप ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें कहीं पे भी, हम हाईवे पे आए हुए, ये बंद हाईवे है और खाली है बिल्कुल, इस पे रेस करेंगे और देखते हैं कौन सी बाइक आफ्टर 5 ईयर बाद भी फास्ट है, कौन सी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मिलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करते हैं और पूरा वीडियो को देखें। तो चलते हैं बाइक की ओर। तो 3 हॉर्न से स्टार्ट करते हैं गाइस, आगे निकल गई फास्ट है। आरसी काफी ज्यादा तेज है गाइस, काफी ज्यादा गैप नहीं बना है, पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी और लंबी करनी है, अच्छा अभी तो 139 ही चली थी, हाँ 139 गई थी, अब मतलब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था गैप जो हुआ था। तो अब थोड़ा लॉन्ग लेंगे और फुल थ्रॉटल, और अब की बार थोड़ा सा मैंने स्लो कर लिया था। तो चलते हैं राउंड 2, राइडर चेंज करें। वर्जन 3 काफी पीछे रह गई है गाइस, काफी तेज है। स्पेस का लिमिट आ गया गाइस, काफी गैप बड़ा बन चुका है। बैक टू बैक आ गए गाइस, बराबर में बराबर की टक्कर हो रही है, क्या गाइस बराबर की टक्कर चल रही है। लिमिट आ जाएगा उसको आगे निकल जाते जब और ज्यादा रेस खींचेंगे। हाँ जा नहीं, चढ़ नहीं रही है, लिमिट आ रहा है हैं। इस पुराने वाला मॉडल का 132-133 पे लिमिट आ जाता है। तो गाइस ये थे कुछ
कंपैरिजन वीडियो करेगा तो वैसे उनकी कर लेंगे, आप थोड़ी ले गो। तो ये कुछ गाइज वीडियो थी RC 200 वर्जन 3 की। तो RC काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है अभी फ़िलहाल में इस टाइम पे भी। ये 2020 मॉडल है और वर्जन 3 2018 मॉडल है, तो वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। लेकिन अक्की का वेट ज़्यादा है और कुछ बाइक में कुछ इशू है, तो उसकी वजह से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही पहले की तरह। मैंने भगाई थी जब 139 तक ही गई थी, अगर और डिस्टेंस लॉन्ग रेस करते तो और ज़्यादा चढ़ सकती थी, तो इतना ही चढ़ पाई बाइक। लेकिन गाइस जो KTM का पिकअप है वो लाजवाब पिकअप है।